तो हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल पाने के लिए। सब कुछ हाल चाल ठीक है आप लोगों का। अब देखो, नया नया बात ये हुई है कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BCA, BCom या फिर आप BA कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स करने से पहले एक बार ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। ये एक बार की ये मात्र आपको 5 मिनट की वीडियो आपके 3 साल की भविष्य को आप लोग बचा सकता है, तो पूरी वीडियो आप लोग देखना। अब देखो, बात ऐसी है कि बिहार बोर्ड में जो भी लोग पास किए हैं, ऊपर से बिहार बोर्ड की अच्छी रिजल्ट, ऊपर सभी बच्चे 70% अबव नंबर, और सभी बच्चे सोच रहे कि मैं अच्छा कोर्स करूँ, मैं मुझे अच्छा से नंबर ले एडमिशन करवाऊँ अच्छे अच्छे कॉलेज में। जाहिर सी बात है, अच्छा नंबर आएगा तो आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा। आप क्या कर रहे हैं, पूरे दिन सभी का माथा खा रहे हैं, अपने बड़े भाई बहन या फिर बड़े मम्मी पापा सब कि कौन सा कोर्स करें, मम्मी कौन सा कोर्स करें भाई। अब देखो, आपकी सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। A to Z जवाबों की बात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को छोड़ना नहीं, देखना पूरी बात लास्ट देख लो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट पको पाते रहेगी। तो आओ देख लेता हूँ क्या करना है आप लोग। तो देखो दोस्त, बात कुछ ऐसी है कि जो भी बच्चे इस बार जिसका 70% एवं नंबर है, तो बस वो दिल में बैठा रखे कि मैं करूँगा BCA, क्योंकि BCA भाई करे क्यों ना, क्योंकि BCA एक पहली प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें जॉब मिलने की बहुत ही अच्छी संभावना होती है, ठीक है। और जो लोग आप लोग सुन लो, जो भी दोस्त लोग अभी तक स्कूटी का अप्लाई नहीं किए हैं फॉर्म का, या फिर आप पटना यूनिवर्सिटी में चाहते हो अप्लाई करना पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म, तो दोनों मिल चुकी है, दोनों इस वीडियो के लिंक में इसमें मिल जाएगी, जो कि दोनों वीडियो आपको देख लेना समझ में आ जाएगी। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो भी चाहते हैं, जिनका भी 70% एवं नंबर आया है, वो सब के सब दिल में बैठा चुके हैं मैं BCA करूँगा, ठीक है। अब देखो, BCA वही लोग कर सकते हैं जो लोग आपको इंटर में मैथ लिए होंगे। आप कहोगे ये सर क्या चक्कर है, बता दो दोस्तों कि इंटर में अगर मैथ अगर नहीं लिए हुए हो, पूरी बात सुनना समझ में आ जाएगी। अगर आप साइंस संकाय के हो या फिर आप आर्ट्स संकाय के हो या फिर कॉमर्स संकाय के हो, तो आप BCA कर सकते हो, जाहिर सी बात है कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा या मैथ हो, तब इसमें आपको दो ऑप्शन आती है, या तो आप डिप्लोमा कर रखे हो, डिप्लोमा कहीं से मैथ्स या इंग्लिश से आप डिप्लोमा कर रखे हो, डिप्लोमा समझते हो ना, एक सारी कोर्स होती है आप कर रखे हो, नहीं तो दोस्त आप कर रखे हो मैथ और साइंस से, साइंस छोड़ो मैथ, इंग्लिश और मैथ लेकर इंटर से किए हो पास, तो ही आप BCA कर सकते हो, ठीक है। अब किए होता क्या है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 80% एवं नंबर लाए हैं और आर्ट्स से पास किए हैं और एक्स्ट्रा में भी मैथ नहीं रखे हैं, अब वो सपना देख रहे हैं आपको BCA करने का। तो बता दो दोस्तों कि BCA आप नहीं कर सकते हो, BCA फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पूरी बात सुन लो दोस्त आप लोग, ठीक है। तो BCA वही कर सकते हैं जिनका आपको 10+2 में अच्छी नंबर के साथ में आपका इंग्लिश और मैथ दोनों रहना चाहिए, या इंग्लिश मैथ अगर नहीं तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लिए होंगे तो ही एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले के लिए BCA नहीं बनी है, ठीक है। तो अब बात आती है BCom, भाई BCom में कोई ख़राब कोर्स है नहीं, वही BCom बहुत अच्छी कोर्स है। तो कितने बच्चे हवा बना रखे हैं ये कि BCom वही कर सकता है जो कि ICom का रखा है, तो ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्त, ऐसा आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है। BCom वो भी कर सकता है जो आर्ट्स से हो, BCom वो भी कर सकता है जो कॉमर्स से हो, और BCom वो भी कर सकता है जो साइंस से हो, ठीक है, बस आपको इंग्लिश रहना चाहिए उसमें। अब देखो है क्या कि उसमें और उसका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 45% से भी नंबर चाहिए, वहीं BCA के लिए मैंने बताया था कि BCA के लिए 50% से प्रत्येक एवरी सब्जेक्ट आपको 50% से भी नंबर चाहिए, ठीक है, 100 में 50 के लगभग होती है उतना, तब ये BCA कर सकते हो, ठीक। तो 45% जो है लगभग आपको सभी से आप BCom कर सकते हो, BCom मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो जो ICom कर रखे हैं उनको मिलेगी थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटी, और जो किए हुए हैं BCom आर्ट्स से या फिर जो कुछ किए हैं जो इंटर पास किए हैं आर्ट्स से, तो उनको भी BCom कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें कोई इसी नहीं है। अब आती है नंबर 3 पर BBA, BBA कोई ख़राब कोर्स नहीं होती है, BBA मतलब होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिशनरी। उसमें क्या होता है कि उसमें आप आगे तक MBA कर सकते हैं और आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी, यही एक फायदा है। माफ करना दोस्तों, अब देखो BBA क्या है, BBA क्या है, बिजनेस ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें आप आराम से जाकर एडमिशन करवा लो, वो भी कोई ख़राब सोच नहीं है, इसमें कोई भी नेशन है कि हाँ अगर BA में यहाँ चाहिए, आप इंटर की भी कोई भी संकाय के हो या फिर आर्ट्स संकाय के हो या फिर आप साइंस संकाय के हो, इसमें आप एडमिशन आराम से ले सकते हो, ठीक है। एक होता है BLIS, आप BLIS भी चाहते हो कोई करना, BLIS क्या होती है दोस्त, BLIS होती है आपको लाइब्रेरी वाली कोर्स, आप जाकर लाइब्रेरी से कोर्स कर सकते हो दोस्तों। और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि दोस्त बहुत सारे कोर्स है जिसमें आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन कुछ कोर्स होती है प्रोफेशनल कोर्स होती है, जो कि BCA, BCom ये सब बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, तो मैंने उसका नाम लिया। अब बात करता हूँ BA के बारे में, देखो BA क्या है, तो BA इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री कोई भी ऑनर्स कर लो, आपको कोई भी ऑनर्स पेपर लेनी पड़ती है, तो BA कोई भी व्यक्ति कर सकता है या फिर कितना भी नंबर हो, बस उनको थर्ड डिवीजन या सेकेंड या फर्स्ट डिवीजन हो, बस उनका नंबर
पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, और कोई भी यूनिवर्सिटी से बहुत साइंस से आपको बीए में नाम लिखा जाएगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं वही कहूँगा जिनका इंटर में मैथ और साइंस है वो बीसीए ही चुने, ठीक है दोस्तों। इसमें जो जिनका इंटर में मैथ और साइंस लिए हुए हैं वो इंटर में फिर आगे जाकर बीसीए चुने, बीसीए बहुत अच्छे कोर्स है। या फिर आप चाहते हैं तो बीबीए चुन लें, क्योंकि बीबीए भी बहुत ही अच्छी कोर्स है, जाकर आप एमबीए बाद में कर सकते हैं, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगी। और भी कोई परेशानी आपको हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त। और मैंने ऑलरेडी दो दो वीडियो बना रखी है इसके ऊपर में, ठीक है, जिसमें एक वीडियो बना रखी है पता चलते अप्लाई कैसे करें, सब जगह अप्लाई होना शुरू हो गई है, चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। और बिहार बोर्ड यूनिफॉर्म, तो ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों लेता हूँ विदा, अगर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पर आप भेंट कर सकते हैं, सबके लिंक नीचे दी हुई है। लेता हूँ विदा, जय हिंद जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना, गुड बाय।